गिरिडीह के वाटर सप्लाई वर्करों के लिए यूनियन गठन करने का निर्णय। माले एक्टिव के साथ दिखाई एकजुटता। गिरिडीह शहर में पेयजल आपूर्ति कार्य में लगे मजदूरों ने आज अपने हक अधिकार की लड़ाई आगे बढ़ाने के लिए वाटर सप्लाई वर्क्स यूनियन का गठन कर ट्रेड यूनियन एक्टिव से उसकी संबद्धता लेने का निर्णय लिया। बैठक की अध्यक्षता मोहम्मद जावेद अख्तर ने की। मौके पर माले नेता सह एक्टिव के राष्ट्रीय पार्षद राजेश कुमार यादव तथा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह में 100 के करीब वाटर सप्लाई वर्कर हैं, जिनके समक्ष बहुत सी समस्याएं हैं। किसी भी पार्टी या यूनियन ने इनकी समस्याओं को तवज्जो नहीं दी। ऐसे में इस यूनियन का गठन कर एक्टिव के मार्गदर्शन में वाटर सप्लाई वर्करों को गोलबंद कर उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ी जाए। उन्होंने कहा कि गिरिडीह के वाटर सप्लाई वर्करों को उनका वाजिब हक भी नहीं दिया जा रहा, यहाँ तक कि उन्हें समय पर वेतन का भुगतान भी नहीं किया जाता। डोली देवी नामक एक असहाय स्वीपर को 2 माह से वेतन नहीं दिया गया, जिससे उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। कहा गया कि वाटर सप्लाई वर्क्स यूनियन के द्वारा केंद्र सरकार की मजदूर तथा श्रम विरोधी नीतियों का भी विरोध किया गया। इसी निर्णय के तहत आज वाटर सप्लाई वर्करों ने एक प्रतिवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका आह्वान संयुक्त ट्रेड यूनियन की ओर से किया गया था। प्रतिवाद कार्यक्रम के जरिए जहां केंद्र सरकार की मजदूरी विरोधी नीतियों का विरोध किया गया, वहीं सार्वजनिक संपत्ति एवं संबद्धताओं को धड़ाधड़ निजी हाथों में बेचे जाने का भी विरोध किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से जावेद अख्तर, दीपक दास, महेंद्र हेम्ब्रम, संजय राम, विनोद बढ़ई, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद इसहाक, अब्दुल अंसारी, मोहम्मद नियाज अफ्ताब अंसारी, विलियम मुर्मुल, बबलू हाड़ी, मोहम्मद रज्जाक, प्रदीप हेम्ब्रम, कयूम अंसारी, साजन फासवान, हुसैन अंसारी, तुलसीदास, सुकर दास, भगवान दास, मोहम्मद शहबाज खान, धर्मवीर दास, डोली देवी, मोहम्मद वसीम अंसारी, पंकज दास, रवि कुमार, स्वर्णकार, दिलीप कुमार, अमर कुमार, संतोष दास, नीरू साव, गोपाल राम, टेक लाल साव, जगदीश रविदास आदि मौजूद थे। आज वाटर सप्लाई के जितने भी मजदूर थे उनके साथ बैठक हुई और बैठक में संगठन को लेकर एक चर्चा हुई। साथ ही साथ जो इनके कई संवेदक हैं, संवेदक का कहना है कि पीएफ भी नहीं देते हैं और कई तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको भी हम इस माध्यम से, बैठक के माध्यम से आगाह करते हैं कि मजदूरों के साथ छल करना छोड़ दें। और जो जनप्रतिनिधि भी है वो जो आज गिरिडीह के वाटर सप्लाई वर्कर्स की एक मीटिंग हुई है AICCTU के बैनर तले, जिसमें सर्वसम्मति से एक संगठन निर्माण करने का निर्णय लिया गया है, जिसका नाम होगा वाटर सप्लाई वर्कर्स यूनियन गिरिडीह, जो AICCTU से संबद्ध होगा। AICCTU जैसा कि जानते हैं भाकपा माले का एक संगठन है। और इस बैनर तले जो गिरिडीह के करीब 100 वाटर सप्लाई वर्कर्स हैं, जो विभिन्न प्लांटों में और विभिन्न स्थलों पर पॉइंट पर काम करते हैं, उनके साथ जो सवाल आए दिन आ रहे हैं, जैसे उनका पीएफ नहीं कटना, उनको पहचान पत्र नहीं मिलना, उनके लिए ESI कवर्ड नहीं करना और उनको समय पर उनका मजदूरी वेतन का भुगतान नहीं करना, ये सारे सवाल के साथ साथ केंद्र सरकार की जो मजदूर विरोधी नीति है उसका भी विरोध करने का इस यूनियन के तहत में यह निर्णय लिया गया है। हम आज यहाँ वाटर सप्लाई वर्कर्स यूनियन का जो गठन किया गया है, इस पर हम सभी मजदूर